दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वो कोट का फ्रंट था और बैक की ड्राइंग बताई थी, आज इस वीडियो में हम उस कोट के बाजू की ड्राइंग बताएंगे, गोला और ताल। तो साइज़ बड़ा था, साइज़ का फिर भी मैं बता देता हूँ। साइज़ 29 लंबाई थी इसकी, 19 शोल्डर था, 24 बाजू थे और 45 छाती और 50 कमर, 48 हिप थी। तो चलें हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो निशान देख रहे हैं, हमने 1.25 का और 1.5 का भी लगा सकते हैं और ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लें। सबसे पहले हमने स्केल बिल्कुल सीधा रखना है इस निशान के ऊपर, ऊपर से भी बराबर रखना है। देखना है हमने ऊपर से ड्राइंग लेनी है अभी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी गिनती में हम सबसे पहले जाएंगे, ठीक है। छोटी गिनती जो होगी ना, 44 का हमने आधा हिस्सा लेना है। 44 का आधा हिस्सा करें तो 22 आता है, ठीक है। और 22 का ये निशान ले लेते हैं हम। तो यहाँ से आगे चले जाएं, जो सेंटर का निशान है 22 का, ठीक है, छोटी गिनती में 44 का आधा हिस्सा करना है। तो अगर इंच टेप में देखेंगे, बड़ी गिनती में देखेंगे तो 5.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2.75 आ जाएगा। तो हम ये छोटे से निशान, ये अब यहाँ से डोनिंग कितना करना है बाजू। तो जैसे कि हमने फ्रंट और बैक जो काटी थी, 42 छाती का हमने आर्मोल लिया था। तो 42 का अगर छोटी गिनती में देखें तो यहाँ से हम 2 इंच, ठीक है, यहाँ से 2 इंच बड़े साइज़ का रखते हैं, ये लाजम है, ठीक है। तो असल जो पॉइंट आता है ना, यहाँ से आर्मोल बाजू का कितना रखना है, ठीक है। छोटी गिनती में देखेंगे, 42 का आधा हिस्सा करें तो 21 आता है, ठीक है। हमने 21 का लेना है साहब यहाँ से। जैसे कि 45 छाती थी, हमने छाती को छोड़ दिया, हमने 42 का सिस्टम रखना है यहाँ पर। यहाँ से 1.5 इंच रख लें। जैसे कि हमने निशान ले लिया, ठीक है, 21 का। और अगर बड़ी गिनती में देखेंगे ना यहाँ से, तो 7 इंच आ जाएगा इंच टेप के साथ। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंच टेप के साथ, 42 छाती है, 45 छाती है, 48 छाती है, 7 इंच यहाँ से रखेंगे, ठीक है, इंच टेप का। तो आर्मोल जो फ्रंट का है ना, बैक का है, वो 42 का रखना है। तो तब जाकर 7 इंच रखना है, ठीक है। ये ना हो कि वहाँ रखें आप 7.5, यहाँ रख दें 7 इंच, फिर अल्ट्रेशन आएगी। तो हम ये निशान ले लेते हैं, 1 इंच का निशान जो लिया था, ठीक है। वैसे ये नॉर्मल 1.25 हम रखते हैं, ये बड़ा साइज है, ये जो है ना बड़ा निशान लेना है आपने। और ये जो छोटा निशान था, ठीक है, और ये सेंटर का निशान है। अब पता है क्या करना है, इसका गोले की चौड़ाई कितनी रखनी है और कैसे रखनी है, ठीक है। दो तरीके हैं, यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंच, ठीक है, गोले की चौड़ाई यहाँ से। अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा इशू होता है तो यहाँ से ऐसे रख लें, ठीक है, 1.25 रख लें। ये 42 छाती नहीं, कम से कम 45-44 छाती का, 48 छाती का ये गोला है, ठीक है, चल जाता है। 48 छाती को भी चल जाएगा, 46 छाती चल जाता है। यहाँ से हम ले लेते हैं 1.25 इंच, ये गोले का निशान आ गया, ये ताल का होगा, ठीक है। यहाँ से भी हमने ताल का निशान लेना है 1.25 इंच, ये जहन में रखना है। यहाँ से हमने गोले से इस तरफ लिया 1.25 इंच, यहाँ से भी 1.25 इंच, यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। और ये जो हमने छोटा निशान लिया है, इससे 0.5 इंच आगे की तरफ जाना है। अब जैसे कि इसकी बाजू की लंबाई थी 24, तो हमने 1.25 रखना है, ठीक है। 1.25 इंच हमने इसमें और डाल दिया भाई, मार्जिन छोड़ दिया, ठीक है, इसमें 1.25 इंच। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ निशान ले लिया, यहाँ से जो गोले का निशान दिया है, यहाँ से 1.25 इंच इस तरफ रखना है स्केल, ठीक है। तो नीचे निशान तक ना स्केल रखना है, तो निशान ले लेना है यहाँ से 2.5 इंच, 3 इंच, जितना आपका दिल करता है यहाँ नीचे मार्जिन रख लें।
ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं ये वाला मोरी का निशान ले लेते हैं। मोरी कैसे रखनी है, इस निशान से आधी इंच आगे निशान लेना है। ये आधी इंच निशान ले लिया, यहाँ से हमने 2 इंच रखना है, ठीक है। इंच टेप यहाँ से उठाना नहीं है, और बाजू की मोरी इस निशान से जाएगी, ठीक है। तो इसकी बाजू की मोरी हम तैयार रखेंगे 5.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ से हम इस निशान से ना 6.25 रखेंगे, तब जाकर 5.5 इंच तैयार आएगी। तो हम ये निशान ले लेते हैं। अब सबसे पहले गोले का ये वाला निशान लेंगे। तो नए ज़रात से गुजारिश है कि वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले वाले दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। अगर कोई मसला होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दो भाई ने मुझे शेरवानी का बोला, इंशाल्लाह करीब शेरवानी का और चेक का कोट है, उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो हमने आधी इंच आगे निशान लिया था, ठीक है, यहाँ से हमें शेप देनी है, ठीक है। ये जो निशान है ना, छोड़ देना है इसको। तो ये हमने ले लिया निशान आपके सामने, ये जो निशान लिया ये ताल का है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हम गुलाई ले लेते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन होता है, आप व्हाट्सएप नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी होता है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अच्छे तरीके से चलूँगा, कोशिश करूँगा जितनी मुझे समझ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से बेशक आप मामूली सा नीचे चले जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, और बाजू और मज़ीद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं ताल का निशान, और ये सिर्फ मैं ड्राइंग करूँगा, ठीक है, ड्राइंग में आपको गाइड करूँगा। तो यहाँ से हमने ना ताल का जो निशान है ना, 1.25 इंच ताल कम करना है, ठीक है। ये जो नीचे वाला जो आधे इंच निशान लिया था, और ये जो 1.25 इंच का निशान लिया है, ये ताल का है। इसी पर मैं गोले के ऊपर ही ताल की ड्राइंग करूँगा, ठीक है। नक्शा ले लेंगे दूसरे कपड़े पर। तो यहाँ से ना तकरीबन 1 इंच यहाँ तक ताल, 1.5 इंच 1.25 इंच जितना हो जाए खैर है। ये आगे हमारे ताल का निशान। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की होगी ड्राइंग मुकम्मल। तो अच्छा, अब मैं बताऊँ आपको कटिंग करने का, ठीक है। यहाँ से आपने गुलाई सही तरह ले लेनी है, यहाँ से बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर, यहाँ से भी बराबर है। तो ये होगी गोले की मुकम्मल कटिंग। तो अब लेते हैं ताल का निशान। ताल आपने ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। जब आप कटिंग कर लेंगे गोले की, तो ताल यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है। तो मैं तो वैसे ड्राइंग बता रहा हूँ, स्टार्ट कर। तो हम अब यहाँ से आप कपड़े का जो है ना, इस नक्शा ले लेंगे ताल का, ठीक है। तो हम यहाँ से नक्शा ले लेते हैं इसका, ठीक है, ताल का। इसी तरह आपने नहीं करना, आपने कटिंग करनी है, ठीक है। वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो मैं इसकी ड्राइंग जो है ना ताज़ा कर देता हूँ। हम ये नक्शा ले लेते हैं, हल्का हल्का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको अभी नज़र आएगा, सही ड्राइंग हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं हल्का सा। अच्छा, ये जो है ना हमारा, ये समझ लें रेडी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखना है।
आपका अगर दिल करता है तो ये यहाँ से एक्स्ट्रा रख कर जब बाजू तैयार हो जाए तब जाकर आपने सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा मुकम्मल ताल था, ठीक है, यहाँ से हमने मामूली सा और काम करना है, ठीक है। ये लाजमी आपने करना है। बड़े साइज़ों में अक्सर ताल थोड़ा सा लूज़ होता है और इसीलिए रखते हैं कि बाजू अच्छे तरीके से थोड़ा सा लूज़ हो जाए, कोई मसला नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।